जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। आज के वीडियो में एक बहुत ही न्यू जानकारी आई है, बहुत नई जानकारी आई है, वह बताने जा रहे हैं हम आपके लिए। अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी न्यू जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है और सभी विषयों से संबंधित। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक। तो वह जानकारी क्या है जो हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, तो वह यह है कि जो PEB प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन 6 जनवरी से आवेदन किए जा सकते हैं। तो इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र PEB की वेबसाइट के माध्यम से 6 जनवरी से 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। और कितने पदों के लिए भरे जाएंगे तो हम यह भी बता दें कि यह 17,000 पदों के लिए भरे जाएंगे, पद खाली हैं। जो MP टेट वर्ग 3 की परीक्षा होगी इसमें 17,000 पद के खाली हैं। तो आप भी इस फॉर्म को भरना ना भूलें, क्योंकि 17,000 पद कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा है 17,000। तो आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र PEB के वेबसाइट के माध्यम से 6 से 20 जनवरी तक भरी जाएंगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदनों पत्रों में संशोधन 25 जनवरी तक कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी PEB की वेबसाइट पर 6 जनवरी को अपलोड की जाएगी। तो जो विस्तृत जानकारी है वह PEB की वेबसाइट पर 6 जनवरी को अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आप फॉर्म में जो संशोधन करना चाहते हैं आवेदन पत्र में, तो वह 25 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 17,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। तो कितने पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी, तो 17,000 पदों के लिए जो परीक्षा होगी MP वर्ग 3 की, तो वह 17,000 पदों के लिए होगी। परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव, तो जो परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, तो हम बता दें कि वह बड़ा बदलाव क्या हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो हम बता रहे हैं कि वह बड़ा बदलाव क्या हुआ है। अब PEB परीक्षा प्रणाली में भी बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए PEB प्रश्न बैंक तैयार कराने जा रहा है। तो जो PEB है वह एक प्रश्न बैंक तैयार कराने जा रहा है। हर परीक्षा का उसके सिलेबस के अनुसार अलग प्रश्न बैंक होगा। इसी प्रश्न बैंक से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे और प्रश्नों और उनके जवाबों की जांच करने के बाद ही प्रश्न बैंक में रखा जाएगा। इससे गलत सवाल या सही सवाल का गलत जवाब की आशंका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कभी कोई प्रश्न एक बार परीक्षा में आने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो जो परीक्षा में एक बार प्रश्न आ जाएगा तो वह दोबारा उस परीक्षा में नहीं आएगा। भर्ती और प्रवेश परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन, तो जो भर्ती और प्रवेश परीक्षा है वह सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। गौरतलब है कि पिछले करीब एक साल से भर्ती और प्रवेश परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन ही आयोजित की जा रही है। व्यापम घोटाले के बाद गिरी साख को बदलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पहले व्यापम नाम बदलकर PEB रख दिया, फिर ऑनलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षा ऑनलाइन आयोजित, ऑफलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षा अब ऑनलाइन आयोजित की जाने लगी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी आपके लिए कैसी लगी,
और हम निरंतर ही जो इससे संबंधित न्यू जानकारी आएगी हम इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड करते रहेंगे वह वीडियो, और आपके लिए बताते रहेंगी कि कौन सी न्यू जानकारी आपके लिए आई है। तो दोस्तों हमें बताएं कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप, फेसबुक और दोस्तों को शेयर करें, जिससे सबको यह न्यू जानकारी जो आई है वह सबको पता चल सके। तो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में बहुत सारा स्टडी मटेरियल सभी विषयों से संबंधित, जो भी इसकी वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है वो उससे संबंधित पूरा स्टडी मटेरियल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सभी विषयों से संबंधित बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, फेसबुक में आप सर्च कीजिए SP क्लासेस यूट्यूब चैनल, यहाँ पर भी बहुत सारे सभी विषयों से संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं, वह भी देखना ना भूलें, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।